एंड ये तो खत्म, ये जितना भी आंसर आ रहा है पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी बार, तो पी ए कितना गिवन है, 3/5 इंटू 2/5 इंटू 4/5, 3/5, 3/5, 1/5 और 2/5, 2/5, 1/5 और ये वाला बन जाएगा 3/5, 2/5, 1/5। तो कितना आंसर बन रहा है, 24 प्लस 9 प्लस तो 4 45 प्लस बाय 6। 125। आई थिंक यू आर राइट, ये हो जाएगा 30, नहीं 30 प्लस, 43 हो रहा है। हाँ 43 हो रहा है। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा सम। उसके बाद क्वेश्चन फाइव क्या बोल रहा है, क्वेश्चन फाइव इज अ कैंडिडेट अपीयर्स फॉर थ्री टेस्ट इन सक्सेशन, द प्रोबेबिलिटी टू पास इन फर्स्ट टेस्ट इज पी एंड दैट ऑफ अदर टेस्ट इज पी और पी बाय टू इफ ही पासेस और फेल्स इन द प्रीवियस केस टेस्ट। हाँ थ्री मतलब जो थर्ड टर्म है वो 6/25 होगा, 125। क्यों, मैंने कुछ गलत लिखा क्या, सर 2/5 इंटू 3/5 इंटू 1/5 राइट? नहीं पी ए बार लिखा है ना, तो पी ए बार तो 2/5 हुआ ना, हाँ सर इंटू 3/5 राइट? नहीं दूसरा वाला तो 2/5 ही है, पी बी तो 2/5 जो ही है। हाँ यस सर, हाँ सर सॉरी। चलो तो क्या क्या बन सकता है, एटलीस्ट दो टेस्ट में पास होना है, तो क्या बोला उसने, एटलीस्ट दो टेस्ट में पास होना है, तो पहले वाले में पास हो जाए, दूसरे में पास हो जाए, तीसरे में फेल हो जाए, पास फेल पास फेल पास पास या फिर पास पास पास, ये चार केसेस हैं। तो पहले केस का आंसर क्या है, पहले में पास हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी पी है, फिर दूसरे में पास हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी पी है, फिर तीसरे में पास हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी पी है, तो फेल की 1-P होगी, हाँ या ना, पहले में की पी है और इसमें पास हो रहा है तो नेक्स्ट वाली की भी पी है, और इसमें पास हो रहा है तो नेक्स्ट वाली की भी पी है, बट उसमें फेल होने की 1-P हो जाएगी, देन पहले वाले में पास होने की प्रोबेबिलिटी पी, तो दूसरे वाले में भी पास होने की प्रोबेबिलिटी तो पी है, तो फेल की 1-P, और इसमें फेल हो गया तो नेक्स्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी पी बाय टू दी हुई है। ठीक है, पहले में फेल होने की है, फिर पी बाय टू, फिर पी, और फिर तीनों में पास होने के लिए पी क्यू भी आंसर है। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन सिक्स, टू पीपल ए एंड बी थ्रो अ डाई ऑल्टरनेटली, टू पीपल ए एंड बी थ्रो अ डाई ऑल्टरनेटली, द पर्सन हु थ्रो सिक्स विंस द गेम, द प्रोबेबिलिटी ए विंस इफ ही इज द फर्स्ट वन टू थ्रो अ डाई। तो देखो इसमें जीतने के लिए तो इनफाइनाइट तरीके हैं, तो डायरेक्टली आंसर क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी, देखो केसेस वैसे टेक्निकली क्या बनेंगे, प्रोबेबिलिटी विल बी ए विंस इन द वेरी, ए ने स्टार्ट किया है ना बच्चों, तो ए विंस द, हाँ ब्रायन ऐसे कुछ आंसर है, प्रोबेबिलिटी क्या जाएगा, ए विंस इन द फर्स्ट राउंड ओनली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए गेट्स अ सिक्स, 1/6, ये हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ए फर्स्ट थ्रो में नहीं विन किया, सेकेंड थ्रो में उसके विन किया है ना, तो ये फर्स्ट थ्रो में ही विन कर गया, अगर सेकेंड थ्रो में विन कर रहा है तो फर्स्ट थ्रो में ही डिड नॉट गेट अ सिक्स एंड बी ऑल्सो डिड नॉट गेट अ सिक्स, यस और नो, ही डिड नॉट गेट अ सिक्स एंड बी डिड नॉट गेट अ सिक्स, कि सही लिख रहा हूं कि रुको ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, ए विंस या फिर ए डजेंट विन देन बी ऑल्सो डजेंट विन देन ए विंस। ठीक है, देन ए डजेंट विन बी डजेंट विन ए डजेंट विन बी डजेंट विन देन ए विंस डॉट 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 टिल इंफिनिटी, तो पहले में सिक्स आ जाए 1/6, ए और बी दोनों के सिक्स नहीं आए, फिर बाद में ए का सिक्स आ गया, चलेगा, ए का नहीं आया 5/6, बी का भी नहीं आया 5/6, 5/6, 5/6, तो सबको समझा, ये इनफाइनाइट जीपी बन गया बच्चों, तो ए अपॉन 1-R, तो आंसर कितना बन रहा है, 6/11। ठीक है, देख लो बच्चों एक बार, समझाओ तो बताओ कि कुछ डाउट है, आई थिंक दिस वॉज फेयरली इजी। एंड देन क्वेश्चन सेवन क्या दिया हुआ है, अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड टुगेदर टिल अ सम ऑफ आइदर 5 और 7 इज ऑब्टेंड, तो प्रोबेबिलिटी ए इवेंट क्या बोलते हैं, तो सम 5,
सम फाइव, तो सम फाइव की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, दो डाई फेंक रहा हूं तो सम फाइव कितने तरीके से आ सकता है, 1 4 4 1 2 3 3 2, तो देर आर फोर वेज इन विच यू कैन गेट अ सम ऑफ फाइव, और नीचे सैंपल स्पेस तो 36 है, द टू डाइस कैन शो 6 × 6 36 ऑप्शंस, ठीक है। तो ये पीए ये है, और बी इवेंट क्या है बच्चों, सम 7, तो पीबी क्या बन जाएगा, 7 सम के लिए कितना, 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, तो 3/36 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम इज 3/36, सो सम ऑफ 5 और 7 कितने बच्चों समझ रहे, 10/36 बन रहा है, गेटिंग अ सम ऑफ 5 और 7, गेटिंग अ सम ऑफ 5 और 7 इज 10/36, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो उसने क्या बोला है, पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड टुगेदर टिल अ सम ऑफ आइदर 5 और 7 इज ऑब्टेंड, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम्स बिफोर 7, मतलब गेम स्टॉप्स एट 5, ठीक है। चलो तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के लिए क्या हो जाएगा, 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया, या फिर पहले ही 5 आ गया, या फिर कैसे लिखूं इसको, 5 आ गया, या फिर दोनों ही नहीं आए एंड देन 5 आ गया, यार ऐसे लिखने में बहुत फाइट होगी, डायरेक्टली आंसर लिखता हूं, इसका कोई मीनिंग निकल रहा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पहले ही 5 आ गया तो 4/36, या फिर पहले 5 भी नहीं आया 7 भी नहीं आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर 5 नॉर 7, क्योंकि आपको 5 पे जीताना है, नाइदर 5 नॉर 7, तो वो बन जाएगा 26/36, तो पहले वाले थ्रो में कुछ भी नहीं आया, आई विल थ्रो इट अगेन, ठीक है, टिल अ सम ऑफ 5 और 7 इज ऑब्टेंड, अब 5 आ गया, उसके बाद पहले में भी 5 7 नहीं आया, दूसरे में भी 5 7 नहीं आया, फिर उसके बाद तीसरे वाले थ्रो में आ गया, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये सीक्वेंस बन गया, आइडेंटिकल नहीं कंसिडर करने, प्रजस तू पागल हो गया ना, व्हाट इज आइडेंटिकल, व्हाट इज आइडेंटिकल प्रजस, टू बाय फाइव, ठीक है, देख लो कुछ डाउट हो तो पूछ लो, आई होप दिस इज अंडरस्टूड, ऑलराइट, तो और कुछ पेंडिंग था कि यही है सर, आप एक सेकंड क्वेश्चन 4 पे जा सकते हो, ओके, हाँ बोलो, नहीं सर, ओके सर, बस एक बार फोटो देखना था, ठीक ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ, और कुछ तो पेंडिंग नहीं दिख रहा मुझे, ग्रुप पे पोस्टेड हो गया, हाँ एक रेड डाइस है और एक रेड है और एक ब्लू है, तो इससे वन इससे टू आया, इससे टू इससे वन आया, अलग अलग तो है, डिस्टिंग देने की जरूरत ही नहीं है, नहीं दिया होगा का क्या मतलब है, they will not give, यही तो मैंने सिखाया था पहले लेक्चर में, by default they are distinct, ये डाउट एकदम से कैसे आ गया तुम लोगों को, ये तो पता ही है बाय डिफॉल्ट दे आर डिस्टिंक्ट, क्या सोच रहे हो, चलो तो अपन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, मैं इस पे कम से कम एटलीस्ट 5 से 6 और सम्स कराना चाहता हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, इंडिपेंडेंट पे और ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो अपन थोड़े से और हाई लेवल के क्वेश्चन करते हैं,
फिर अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और इनफैक्ट इसपे एक दो ऐसे रिकर्जन टाइप के क्वेश्चन भी दे देता हूँ, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग बनते हैं, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक का क्लियर हुआ हो, यहाँ तक के इतने डिफिकल्ट नहीं थे, ओके ओके टाइप थे। चलो अब नेक्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, मोर सम्स। तो अपन थोड़े 6-7 सम और कर रहे हैं, ठीक है? तो मोर सम्स में क्या जाएगा,
सो सेकंड क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटर टेकिंग आर्च शॉट मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आर्च शॉट, या मतलब शूटर सेकंड शॉट लेगा भी कि नहीं लेगा कि फटके भाग गया, ऐसा टाइप। मतलब ऐसा है कि ड्रैगन को उसने हेड पे मारा तो अब दो हेड हो चुके हैं, लाइक हाइड्रा। टेल पे मारा तो ड्रैगन डाइज। तो जैसे पहला वाला शॉट लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ड्रैगन देख के हो सकता है डर जाए, तो पहला शॉट लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3। फिर शॉट मारा तो हेड और टेल फिलहाल इक्वली प्रोबेबल मानो, मतलब अभी तो हेड और टेल दोनों ये दो ही शू है, तो हेड पे लगेगा हाफ, टेल पे लगेगा हाफ। वैसा अगर हेड पे लग गया तो एक और हेड अपियर हो गया, तो अब दो हेड और एक टेल हो चुकी है। अब नेक्स्ट शॉट लेने की प्रोबेबिलिटी लो, और उसके बाद हेड पे हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगी और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी, ठीक है? Yes. यार आशुतोष ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल आंसर है। व्हाट फॉर दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द हेड एंड द टेल इज लाइक द सेम। हाँ, मतलब अगर चार टेल है, सॉरी चार हेड और एक टेल है, तो 1/5 1/5 1/5 1/5। तो नहीं दिया तो देना चाहिए, yes, of course, but अभी मैं verbally बोल रहा हूं, चलो कि assume कर लो, if I forgot to mention. Okay, sir. Head and tail equally probable. Prajas थोड़ा सा गलत है, ऑलमोस्ट देयर बट थोड़ी सी गलती है उस आंसर में। सर आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं क्वेश्चन वन का आंसर आई के टर्म्स में आएगा कि नहीं? नहीं, नंबर आएगा। ओके, आई के टर्म्स में कैसे आ सकता है? नहीं यार, लोडेड डाई दिया हुआ है ना यार, 2010034। यार बायस डाई का मतलब नहीं समझते, बायस डाई का मतलब क्या हुआ, मैंने दे दिया, इवन इफ 1 and 6 आर अपोजिट, इक्वली प्रोबेबल नहीं है ना, बोल तो रहा हूँ लोडेड डाई, 1/9 नहीं है, नो। एक काम करो, इतने का फोटो खींचो मैं, और कुछ तो बुकलेट में भी बहुत अच्छे सम्स हैं, तो बुकलेट के भी देता हूँ थोड़े से, और खुद से भी देता हूँ थोड़े डेंजर सम्स। तो ये वाला हर क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड बेंडिंग है, दिमाग सड़ाएगा आपका। नहीं धृति, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा नहीं काफी गलत है ये तो, यू मिस्ड समथिंग, कुछ मिस हुआ है, चेक करो वापस से इसका क्वेश्चन दिखा सकते। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही तो दिख रहा है बीबी, ये दिख रहा फर्स्ट, चलो पहले ये करते हैं। फिर 2B का नाइन करते हैं, दिमाग खराब पड़ेगा ये क्वेश्चन भी आपका। उसके बाद एक्सरसाइज 3 का
This is also a pretty good sum. उसके बाद कौन सा कराना था? अगला पैसेज टाइप, यस, कॉम्प्रिहेंशन फोर. तो ये किसमें है कॉम्प्रिहेंशन फोर? वन बी, वन बी का पैसेज फोर. फर्स्ट का आंसर 1/3. अरे नहीं, चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ यार, मैं भी क्यों इतना मिस्ट्री बना रहा हूँ. रुको, चलो तो उसने क्या क्या दिया हुआ है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एक सेकंड मैं खुद पढ़ लेता हूँ. उसने बोला है कि आईएफ थ्रो के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 इज 1/i+1, वेयर एज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज ऑलवेज 1/6. 1 की प्रोबेबिलिटी फिक्स्ड है बट उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होती जा रही है. ठीक है, a person wants to roll 1 in order to win. A person wants to roll in order to win. He is allowed to roll again only if he gets a 6. Then find the probability of winning. Find the probability of winning. So, if he gets a 6. और 1 पे जीत रहे हैं. तो क्या हो जाएगा सबसे पहले? Directly लिख देता हूँ. Directly 1 आ जाए. या फिर 6 आ जाए. फिर 1 आ जाए, है ना? या फिर 6 आ जाए, नेक्स्ट में भी 6 आ जाए, फिर 1 आ जाए. समझ आ रहे हो? फर्स्ट थ्रो में ही 1 आ जाएगा, या फिर सेकंड थ्रो में 1 आ गया, थर्ड थ्रो में 1 आएगा, उसके पहले 6 आना चाहिए. फर्स्ट में 6, सेकंड में भी 6, थर्ड में भी 6, और उसके बाद 1 आया. टिल इनफिनिटी. तो ये 6 की प्रोबेबिलिटी आपको कैसे आएगी? क्या पूछ रहे हो यार? मतलब दिया है ना, फर्स्ट थ्रो में क्या हो जाएगा, आई को 1 रख दे, 1/2, सेकंड थ्रो में 1/3, 1/4, तो ये क्या बन गया बच्चों? 1/6 प्लस, ऐसे एक काम करो, 1/6 कॉमन निकालो, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल टेन इंफिनिटी. हाँ, है ना? और जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग पर्पज इसको ऐसे लिख दो तो वो क्या बन जाएगा? e-1/6. समझे? देख लो एक बार, बस इतना सा तो था. कहाँ फाइट मार रहे हो, कहाँ धूम मचा रहे हो? इतना ही तो था बस. देख लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो. Probability increase when more heads appear. Probability, हाँ ना, मतलब अगर 5 head हो चुके हैं और एक tail हो चुका है तो head पे hit करने की probability ये हो जाएगी और tail पे hit करने की probability 1/6 हो जाएगी. Of course. Equally probable मानो सारे objects को, जितने head है और जितने tail है. Tail तो वैसे हमेशा एक ही रहेगा. Equally probable मानो. क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो पूछ लेना फिर भी, है ना? मैं और क्वेश्चन ऐड करते जा रहा हूँ, मेरे को तो और क्वेश्चन देने का मन है. तो मैं लिख देता हूँ, सारे तो आज नहीं हो पाएंगे बट मैं लिख तो जरूर रहा हूँ. थोड़ा डेंजर समय. अब सब क्वेश्चन तो मैं एवरी शॉट ड्रैगन को हिट करेगा, ये गारंटी है कि नहीं? हाँ, यस, यू टेक द प्रोबेबिलिटी एज 1. मतलब जैसे ये बोल लो कि मैंने सेकंड शॉट लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब क्या प्रोबेबिलिटी कि मैं सेकंड शॉट लूंगा भी? तो आर को 2 रख दो तो 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई एम टेकिंग अ शॉट. बट मैंने शॉट मारा है तो ये अज्यूम करके चलो कि आइदर हेड या टेल को हिट कर रहा है. तो हेड को हिट कर रहा है सेकंड शॉट पे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगी, क्योंकि अभी 2 हेड होंगे. फर्स्ट शॉट ऑफकोर्स मिस किया होगा और टेल एक ही है तो टेल की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी.
वो अज्यूम कर लो, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मिस की प्रोबेबिलिटी जीरो है, आइदर हेड या टेल विल बी हिट, ठीक है। जैसे पूछ सकते हो अगर क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो, मैंने ऐसे लिखा है, लैंग्वेज हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया हो। E माइनस 2.5 नहीं यार प्रणव, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। सो सेकंड का आंसर एक बता सकते हो आप क्या है? बोल दो। सो 3/4 आ रहा है। नहीं। ऐसा टू। क्या क्या क्या? सर मेरे को आप सॉल्व करो। नहीं मैं सॉल्व रुको कर रहा हूँ, मैं अभी और क्वेश्चन दे रहा हूँ।
चलो तो योर क्वेश्चन ऐड हो गए डेंजर डेंजर वाले, आखिरी आखिरी तक काफी लेवल हाई हो चुका होगा। सॉल्यूशन टू करूं जल्दी बताओ, शैल आई सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन? बोलो सेकंड क्वेश्चन बच्चों। चलो वैसे मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी दे देता हूँ, आई थिंक 3 तक स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, फिर ये वाला स्क्रीनशॉट लो बच्चों, बुकलेट के भी बहुत अच्छे सम्स हैं, तो ये 4, 5, 6, 7, 8 स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दो, बहुत अच्छे इतने बढ़िया बढ़िया कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन चाहिए कि बहुत दिमाग खराब होगा सॉल्व करने में, बहुत सीखने को भी मिलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, चलो दिमाग खुलेगा इन क्वेश्चन से। आई होप फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दिया गया हो। जिया इसका मतलब है अ रन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव हेड्स डजंट अपीयर, मतलब HHH नहीं आना चाहिए, मैंने n बार पॉइंट्स को टॉस करा n टाइम्स, कहीं पे भी HHH ना आ जाए, ऐसा चल जाएगा HHTH चल जाएगा, ठीक है TTT चल जाएगा कहीं पे भी, बट नो वेयर 3 कंसेक्यूटिव हेड्स शुड अपीयर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ऐसा, ठीक है आई होप दैट इज क्लियर। रन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव HHS डजंट अपीयर, चलो तो मैं सेकंड सॉल्व कर देता हूँ, सेकंड ध्यान से देखना, कोई गलती लगे तो बिल्कुल लगना बताना पूछना। अपन क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ड्रैगन डाइस एट आरथ शॉट, क्योंकि हर शॉट में प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है, मतलब काफी चीजें वेरी कर रही है इसमें, तो मैं पहले आरथ एग्जैक्टली आरथ शॉट में वो मर रहा है, ठीक है नॉट बिफोर ऑब्वियसली, ठीक है आरत शॉट में मैंने उसको मार दिया, प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रैगन डाइज एट आरत शॉट, तो अगर ड्रैगन आरत शॉट में बनाए तो उन सबके पहले आई मस्ट हैव हिट द हेड, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं शॉट लू उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, हो सकता है ना पहले ही मैं ड्रैगन देख के भाग जाऊं, ओके तो सबसे पहले शॉट लूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और उसके बाद वो हेड पे लगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ, समझा? दिस इज योर फर्स्ट शॉट, ये फर्स्ट शॉट है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटिंग और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, है ना। अब सेकंड शॉट में क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ सेकंड शॉट, 3/4 और उसके बाद हेड हिट कर रहा हूं, बोलो अभी दो हेड हो चुके ना, बोलो हेलो क्या हो गया? यस सर, ये हेड अभी दो हेड हो चुके हैं और एक टेल बचा है, तो दो हेड और एक टेल में हेड लग जाए ये हो जाएगा। उसके बाद थर्ड शॉट में क्या कर रहा हूं मैं बताओ, थर्ड शॉट को पहली बात तो लेने की प्रोबेबिलिटी ये है और उसके बाद हेड में मारने की प्रोबेबिलिटी कितने बच्चों समझ रहा है, 3/4 हो जाएगी, इसी को अब जनरलाइज कर दूं, आर माइनस वन पे शॉट पे क्या हो चुका होगा, जैसे 3 वाले पे क्या है 4/5, तो ये बन जाएगा आर अपॉन आर प्लस वन इंटू क्या बन रहा है बच्चों, 3 के साथ 3 है तो आर माइनस वन अपॉन आर, तो ये आर माइनस वन पे शॉट तक ये चल रहा है और आरथ शॉट में भूलना मत उसको मारना है मुझे, तो आर प्लस वन अपॉन आर प्लस टू। अब ध्यान से देखो थर्ड शॉट के बाद थर्ड शॉट के बाद कितने हेड बचे थे, अभी कितने बचे थे 3 ना, तो थर्ड के बाद 4 बचे होंगे, तो आर माइनस वन के बाद आर हेड और ये 1/r+1 हो जाएगा मित्र, ठीक है आर माइनस वन शॉट के बाद आर हेड और एक टेल बचा होगा, तो अब टेल पे मार रहा हूं मैं, चले कि नहीं चले देख लो पीपल, देख लो तो कितना बन रहा है टेक्निकली, तो अपन को ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं और ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, है ना, यहाँ तक कैंसिल हो गए, तो अभी मैं अच्छे से लिख देता हूँ, तो ऊपर क्या बच रहा है 1 × 2 × 3 × ….. कहाँ तक आ जाएगा 1, 2, 3, 4 …… r-1 और ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं और नीचू क्या बन रहा है 3 × 4 × 5 × …… r+1 r+2, तो वी आर गेटिंग
ये कितना बन रहा है बच्चों, 2 अपॉन आर आर प्लस 1 आर प्लस 2, यस और नो पीपल? देख लो एक बार, 2 अपॉन आर प्लस 1 आर प्लस 2 और आर, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा, आर गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी समेशन, है ना? तो ये कितने बच्चों को समझ गया, सर ये तो हमें आता है, ये तो टेलीस्कोपिक है, लिखो कि समझ गया पहले ही, बोलो 2 को लिखोगे r प्लस 2 माइनस r, तो एक बार r प्लस 2 को ऐसे लिखोगे और r को ऐसे लिखोगे, समझ गया क्या? ये तो आपने कई बार अच्छे से करा है, देख लो sir. नहीं समझे तो पूछ लेना, बट आई एम अज्यूमिंग कि ये तो याद आ गया होगा कि अच्छा से समझ गया, तो ये इतना बढ़िया फॉर्मेट में दिया, तो यहाँ पे r को 1 रखो 1 बाय 2 और वहां पे इंफिनिटी रखो 0, ये आंसर, दिस इज इट, ठीक है? Yes, dragon dies after hitting on the tail. Yes. Sir, एक छोटा सा doubt है sir. जैसे हम लोग ने first sum में किया ना कि like पहले roll पे one आ गया, दूसरे roll पे one आ गया, वैसे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या कि पहले shot पे tail को मारा, फिर दूसरे shot पे tail को मारा, वैसे? That is exactly what I did. What makes you think I did something else? वही तो किया मैंने. अच्छा सर, तो मतलब आपने दूसरा केस है पर इनमें समेशन नहीं आ गया, ओके सर. अरे मैंने निकाला आर एट द शॉट पे, मैंने जनरल टर्म निकाल ली, एवरी शॉट पे मैंने ही निकाला, मैं बोला चलो आर पे क्या आ रहा, फिर आर को 1 से लेकर इंफिनिटी सब रख दिया और उनको ऐड कर दिया, तो मैंने वही कह रहा कि फर्स्ट पे सेकंड पे थर्ड पे, बट वी हैव फाउंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द हेड. फालतू बातें मत करो, हिटिंग टेल एंड में आर से शॉट पे टेल पे हिट कर रहा है, क्या बोल रहे हो? अनम्यूट करके पूछो एक तो पहली बात. सर पर केसेस लगे जाए तो 2/3 इनटू 1/2 प्लस 3/4 इनटू 1/3 ऐसा है क्यों? मेरे हेड पे हिट करा है ना, तो अगर अभी 2 हेड हो चुके हैं और 1 टेल बचा है तो हेड पे हिट कर रहा हूं ना. अगर मैं हेड पे हिट कर रहा हूं तो ड्रैगन इज स्प्लिटिंग इनटू, मतलब एक एक्स्ट्रा हेड पे स्प्लिट कर रहा है, टेल पे मर रहा है वो. क्वेश्चन पढ़ो सर. जैसे फर्स्ट शॉट पे टेल पे मारा या फिर सेकंड शॉट पे टेल पे मारा ऐसे, तो वो प्रोबेबिलिटी यहां पे कंसीडर हो रही ना, आर गोस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. अरे जब आर को 1 रखूंगा उसका मतलब है फर्स्ट शॉट पे ही वो मर गया. हाँ क्या प्रॉब्लम है, पूछ लो कुछ भी, देख लो अगर कुछ गड़बड़ हो रहा तो. सर आप एक बार ये समझा दोगे कि हम इधर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर माइनस वन सबको? ये आरथ शॉट है, दिस इज नॉट फर्स्ट शॉट का पे मरा या फिर सेकंड शॉट पे मरा, दिस इज आरथ शॉट पे वो मरा है. समझ गया. तो अगर आरथ शॉट पे मरा है तो उसके पहले क्या हुआ होगा, फर्स्ट शॉट पे क्या हुआ होगा? अगर आरथ में मरा है तो फर्स्ट शॉट पे ऑफकोर्स क्या हुआ होगा, हेड पे हिट हुआ होगा, एंड देन सेकेंड पे क्या हुआ होगा, ये सारे इवेंट्स होंगे तभी तो जाके आरते शॉट पे मैं टेल पे मारूंगा. गॉट इट सर, थैंक यू. सर एक सिली डाउट है. सर अपने लास्ट में समीशन क्यों लिया, मतलब 1/20? उसने बोला है प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रैगन डाइज एट आरथ शॉट, ये जो भी निकला है ये प्रोबेबिलिटी है आरथ शॉट की आरथ शॉट में मरा है. अरे मर तो कभी भी सकता था ना, मैं तो हो सकता है पहले पे टेल पे मार दूं, दूसरे पे टेल पे मारूं या फिर तीसरे पे टेल पे मारूं, तो आरथ आर को 1 से इंफिनिटी कुछ भी रखूंगा ना मैं. ओके सर थैंक यू. नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन 3. 2 मिनट्स. ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. नो आंसर इज नॉट 11/21 प्रजेश. नो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली. नो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है.
इट इज गिवन दैट पी आई ऑलवेज विंस अगेंस्ट पीजे इफ आई इज लेस देन जे. मतलब हमें ये पता ही है कि पी वन पी टू से जीतेगा, पी वन सबसे जीत जाएगा. समझ आ रहा है? पी वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो उसको किसी से भी मैच करा दो वो जीतेगा ही जीतेगा. पी एट इज द वीकेस्ट, तो उसका किसी से भी मैच करा दो वो लूज करेगा ही करेगा. ऐसा ये दिया हुआ है बेसिकली. ये फिक्स है भैया कि पी वन जीतना ही है, किसी से भी मैच करा दो. पी टू खाली पी वन से हार सकता है, बाकी सबसे जीत सकता है. पी थ्री कैन लूज विथ पी वन पी टू एंड रिमेनिंग से जीत सकता है. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फाइनल तक पहुंच जाए पी फोर? तो पी फोर को फाइनल तक पहुंचाना है तो सोचो क्या करोगे. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है थर्ड वाला. चलो सोचो. पांच से छह मिनट दे रहा हूं मैं, इनफैक्ट ज्यादा टाइम भी चलेगा इसमें, सात आठ मिनट तक दे सकता हूं. ठीक है, ट्राई करो, मैं दो मिनट में आता हूं. नहीं यार हरी, 3/32 सही नहीं है. आंसर चाहिए तो मैं बता देता हूँ. यस सर, आंसर ये आएगा इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 4/35 आंसर है. सोचो, ट्राई करो क्या करना है. सही है, मैंने लिखा हुआ है 4/35. मेथड जब मैं सॉल्व करूं तब देखना कि सिमिलर तरीके से क्या की, कुछ और तरीके से किया है.
फर्स्ट राउंड में 105 बेस टू पेयर, देन सेकंड राउंड में 201359 सोच के सही लग रहा है 105 बेस टू पेयर। तो 105 ये फर्स्ट राउंड में कि सेकंड राउंड में 105 तो डिनोमिनेटर में 105 कैसे चला गया? टोटल पेयरिंग है ये तो फर्स्ट राउंड में है ना, तो सेकंड राउंड की पेयरिंग कहां गई? नहीं, सेकंड राउंड के लिए यू आर सेइंग नंबर ऑफ बेस ऑफ पेयरिंग इज बेस, बट इन दोनों में से एक ही वहां पहुंचना चाहिए। ठीक है, लुक्स गुड। ठीक है, सही लग रहा है, लुक्स गुड। सही है, 201359। चलो बताओ बच्चों। चलो तो एक बच्चे ने क्या है वो सही किया है, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूँ और इसको एक और अच्छा तरीका भी बताऊंगा, मैं दो तरीके से बताता हूँ। चलो तो ये पहला वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, पहला वाला जैसे मेथड वन वो थोड़ा कंडीशनल से बता रहा हूँ, बट ये कंडीशनल लिख लिख के बता रहा हूँ अच्छे से, डायरेक्टली बताऊंगा तो फाइट हो जाएगी। मैं तीन इवेंट्स बना रहा हूं, देखो इवेंट्स, सबसे पहले ए इवेंट क्या है, P4 wins राउंड वन, ये तो होना ही पड़ेगा। फिर बी क्या है, वन ऑफ P5 P6 और P7 रीचेस राउंड टू, बोलो है ना? यस सर। और उसके बाद सी क्या है, P4 matches up against ये जो भी ऊपर पहुंचा है this player, चलेगा क्या? Yes। तभी तो P4 third second round भी जीतेगा, है ना? तो answer will be P of A intersection B intersection C,
बोलो कि ये फर्स्ट राउंड में जीत जाए एंड ये सेकंड राउंड में पहुंच जाए इनमें से एक, और P4 उस पे, P4 उससे मैचअप भी कर ले। तो यहां तक समझ आ रहा है क्या? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पीपल सोच लो एक बार, जिसका फॉर्मूला तो मैंने ये सिखाया है, तो अपन को ये तीन टर्म्स निकालनी है, ठीक है? देख लो एक बार, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो भाई लोग। चलो अब ऐसे सोचो, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 और P8। तो अब सोचो लॉजिकली PA क्या है, बताओ PA क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है P4 राउंड वन जीत जाए? तो P4 के पास 7 ऑप्शन आउट ऑफ 7, वेरी गुड। तो PA तो सबसे आसान है, 4/7, ठीक है। P B/A थोड़ा सा इरिटेट करेगा, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। P B/A का मतलब क्या हुआ कि P4 तो पहुंच चुका है, P4 has already arrived in round one, अब ये वाला इवेंट हो जाए, ठीक है, चलेगा ना? तब देखो कैसे समझाऊं, चलो यहां पे लिख देता हूं। P B/A में P4 has already won round one, ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। P4 already round one जीत चुका है, तो P4 अगर जीत चुका है तो किसी एक प्लेयर के अगेंस्ट प्ले करके जीता होगा ना। तो कितने बच्चों समझ आ रहा है? लेट्स से P4 प्लेड अगेंस्ट कोई सा, तुम चूज करो, इट एब्सोल्युटली मेक्स नो डिफरेंस, मुझे केसेस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम बताओ कौन सा वाला प्लेयर लेना है, किसके अगेंस्ट प्ले करा होगा। चलो P5 ले लेते, चलो ठीक है। तो प्लेयर P4 P5 के अगेंस्ट प्ले करा था मान लो, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूं, P4 played against P5, it would make no difference अगर आप यहाँ पे P5 लिख दो, P6 लिख दो, P7 लिख दो, P4 played against P5, ठीक है। तो P5 आउट हो चुका है, P5 is already out, तो मुझे बताओ P5 आउट हो चुका है तो 6 या 7 ही जा सकते हैं राउंड टू में, बोलो। P6 राउंड टू में पहुंच जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? P6 राउंड टू में पहुंच जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जल्दी बताओ। 2/7 आउट ऑफ 7 नहीं, अरे भाई 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 भाई, P4 P5 से मैच कर ही चुका है। ओह यस सर, राइट, है ना। तो P6 P7 P8 और 1 2 3, तो 6 के पास 5 ऑप्शंस हैं। P4 P5 के साथ खेल ही रहा है तो P6 के पास कितने ऑप्शंस हैं? 1 2 3 7 8, और जिसमें से फेवरेबल कौन से हैं? 7 8, है ना। P6 goes to round 2, इसकी probability 2/5, और P7 round 2 पे पहुंच जाए इसकी probability क्या है? 1/5। तो कितने बच्चों समझ आ रहा है कि probability 3/5 है, हाँ या ना सोच लो। इन दोनों में से P B/A is 3/5, सोच लो एक बार, बोलो। Even if P4 played against let's say P6, चलो P4 अगर P6 के अगेंस्ट खेल चुका है, P4 P6 के अगेंस्ट खेल चुका है, तो P5 या P7 बचा ना, बोलो, सेकंड राउंड में पहुंचने के लिए। तो P5 के पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 7 8, और फेवरेबल कौन से? 7 8, तो 2/5, और P7 का 1/5, तो 3/5 ही तो है यूनिफॉर्मली। डू हैव टू स्प्लिट इनटू केसेस, यू अंडरस्टैंड, इट इज 3/5 एनीवे। यस सर, चलेगा, सोच लो एक बार। तो एग्जाम्पल P4 played against P5, then probability 3/5 आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। In any case, it is uniformly 3/5, तो P B/A is 3/5, और PC/A intersection B क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग क्या निकल रहा है बताओ? PC intersection B/A, तो सेकेंड राउंड में दो विनर्स होंगे, एक P4 पहुंच चुका है और एक इनमें से एक, कोई सा एक, P5 या P6 या P7, P4 इसी से खेल ले, क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ? P4 एग्जैक्टली इसी से खेले सेकंड राउंड में, इन दोनों से नहीं, तो 1/3, है ना। तो आंसर क्या आ गया? सो लाइक व्हाट इफ P5 P6 P7 में से कोई भी दो आ गए? दो कैसे आ सकते हैं बता, तू कुछ सोच ले, कब आएंगे P5 P6 P7 में से दो एग्जैक्टली, मैचअप बता, सोच ले पहले और मैचअप बता कि सर ये दोनों एक साथ आ गए।
P5 और P6 दोनों कब आएंगे? P5 और P6 तभी आ सकते हैं जब P5 P6 से P7 से खेल ले और P6 P8 से खेल ले। ओ हां यस, फिर P और P4 बाहर हो जाएगा। P4 नहीं आ सकता, P2 को एलिमिनेट कर देगा एंड P4 स्ट्राइक ओपोनेंट एक पर एक हां P4 फिर इनमें से किसी एक से खेल रहा होगा तो P4 एलिमिनेट हो जाएगा, है ना? तो आंसर क्या है बच्चों? अगर पी सी इंटर सी ए इंटरसेक्शन भी बता सकते एक बार। देख तूने ये बोला कि P4 ऑलरेडी सेकंड राउंड में पहुंच चुका है, yes, ये पी ए हो गया है ना, उसके बाद इनमें से भी एक पहुंच चुका है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? P4 भी पहुंच चुका है और इनमें से एक पहुंच चुका है, तो उसको पी के बोल देता हूँ। दो और विनर आए होंगे ना, वो स्ट्रॉन्गर होंगे इनसे तो, yes, sir. तो P4 इसी को सिलेक्ट करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? हाँ सर, वन बाय है ना सर। बी 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 स्लैश ए वाला 3x5 P4 को किसी भी प्लेयर से खिला दे, P4 को P5 से खिलाया तो सेकंड राउंड में कौन जा सकता है? P5 तो बाहर हो चुका है, तो सेकंड राउंड में कौन जा सकता है? 6 या 7। तो 6 के पास प्ले करने के कितने ऑप्शन है? 1 2 3 7 8 1 2 3 7 8 बट फेवरेबल है 7 8। तो P6 राउंड में पहुंच जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। P7 राउंड 2 में पहुंच जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। तो दिस प्लस दिस 3/5 इज द प्रोबेबिलिटी कि इनमें से कोई सा एक पहुंच जाए। ठीक है, 6 ही पहुंच सकता है ना, P7 कैसे? क्यों P7 इसलिए पहुंच सकता है क्योंकि P7 P8 से खेल लिया, P6 किसी और से खेल लिया। P7 कैन आल्सो रीच राउंड 2 ना इफ ही प्लेड अगेंस्ट P8, तो 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ P4 विनिंग दिस या फिर मैचिंग अप विद दिस प्लेयर प्रोवाइडेड P4 ऑलरेडी आ चुका है और इनमें से एक आ चुका है। तो P4 आ चुका है, इनमें से एक आ चुका है, मान ले P6 आ गया, P4 आ चुका है, P6 आ चुका है और दो और होंगे स्ट्रॉन्गर वाले, yes sir, तो क्या प्रोबेबिलिटी है P4 इसी से मैचअप करे? ओके, got it sir, 1/3। या फिर इसको मैं क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, दिस इज नॉट द सेम क्वेश्चन एनीमोर, क्वेश्चन ही चेंज कर रहा हूँ मैं, बट मीनिंग सेम है, इवेल्युएट वही कर रहा हूँ बट अलग तरीके से एकदम। तो क्वेश्चन का ट्रांसफॉर्मेशन देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम ऐसे मान लो दो ग्रुप्स ले लो, ठीक है, चार प्लेयर्स के, ओके, दो ग्रुप्स मान लो चार प्लेयर्स के, हुएवर इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन देयर ग्रुप विल रीच फाइनल। कौन किस ग्रुप में उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बस बोल रहा हूं जो भी अपने ग्रुप में स्ट्रॉन्गेस्ट है वो फाइनल में पहुंचेगा कि नहीं बताऊं, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क नहीं करा P1 P2 P3 P4, मैं बस चार चार प्लेयर बोल रहा हूँ, चलेगा? तो जैसे ये कोई से भी चार होंगे, ये कोई से भी चार होंगे, इन दोनों में मैच हुआ विनर ऑप्टेन हुआ, इन दोनों में मैच हुआ विनर ऑप्टेन हुआ, फिर इन दोनों में मैच हुआ विनर ऑप्टेन हुआ, चलेगा? सेम हियर। तो कितने बच्चों समझ आ रहा है? इवेंचुअली जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा अपने ग्रुप में वो फाइनल पे पहुंचेगा कि नहीं बताओ? द वन हु इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन हिज और हर ग्रुप विल रीच द फाइनल, यस और नो? बच्चों सोच लो एक बार। अब जैसे यहाँ पे P4 है, यहाँ पे P1 है और बाकी दो कोई से भी ले लो, तो P4 और P4 का किसी से भी मैचअप हो, मान लो P4 यहाँ पहुंच गया तो P1 जो दूसरा वाला यहाँ पे P1 पहुंच जाएगा, तो इवेंचुअली P1 ही तो विन करेगा। बोलो द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द ग्रुप विल अराइव एट फाइनल्स और नॉट, सोच लो एक बार ऐसे, चलेगा? तो प्रोबेबिलिटी P4 इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन हिज ग्रुप, कितने बच्चों को समझा? P4 के पास कितने ऑप्शन है अपने ग्रुप के लिए? 5 6 7 8, इन चार में से कोई से तीन उठा ले अपने ग्रुप के लिए, और टोटल कितने हैं? ये मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, मीनिंग सेम है अभी भी, बट आई कंप्लीटली चेंज द वे ऑफ लुकिंग एट द क्वेश्चन।
I completely changed the way of looking at the question. सर सर मेथड वन में जब आप पहला मैच करा रहे हो पी फोर का तो हम उसको पी एट के साथ भी करा सकते हैं ना, तो तीन केस बन जाएंगे. तीन केस बन जाएंगे मतलब सर अगर पी फोर प्लेड पी एट तो राउंड टू में इट कैन प्ले विद पी सिक्स पी सेवन और पी फाइव राइट. पी सिक्स पी सेवन और पी फाइव. हाँ तो मैंने कब मना करा, लिखा तो है पी फाइव पी सिक्स और पी सेवन में से कोई सा भी एक सेकंड राउंड में पहुंच सकता है. यस तो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट. इसे मैं वो एग्जांपल की बात कर रहा हूं, तो सर आपने जो 3/5 निकाला वो चेंज हो जाएगा ना नंबर. जो 3/5 निकाला पहला मैच जो है पी एट के साथ खेल लिया राउंड वन पी फोर प्लेड पी एट तो राउंड टू में पी फाइव पी सिक्स पी सेवन तीन केसेस बन जाएंगे ना, अभी दो ही बन रहे अपने. तो पी सेवन कैसे जीतेगा फिर. ओ राइट राइट गॉट इट सर थैंक यू. तब भी दो ही रहेंगे और मैंने इस केस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ली है, मैंने तो बोला है कि तुम कुछ भी कर लो आंसर 3/5 ही है. इट इज यूनिफॉर्मली 3/5. गॉट इट सर. मैंने केस नहीं बनाया, जस्ट शोड यू कि इट इज 3/5. मैं आई जस्ट शोड यू इट इज 3/5. केसेस थोड़ी बनाए, मैंने तो आपको दिखा रहा था कि 3/5 आप कुछ भी ले लो. पी फोर प्लेड अगेंस्ट व्होमसोएवर, तो P4 P5 के अगेंस्ट खेला होता है. P4 चलो X के अगेंस्ट खेला होता है, X इन चारों में से कोई एक है. तो बचे दो के जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/5 एंड 1/5 ही चलेगा. यस सर. तो वो 3/5 ठीक है. नेक्स्ट ट्राई करो, ट्राई द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्या है नेक्स्ट वाला? अच्छा बुकलेट के दिए मैंने डेंजर नहीं. 1A33 बहुत आसान है, ट्राई करो. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन. 1A33 चलो सोच के बताओ बुकलेट में से. सर हल्का सा ऊपर कीजिए ना, बस कॉपी करते हैं. ओके 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 थैंक यू सर. अरे नहीं ऊपर से ही, यहाँ से. एक सेकेंड कॉपी कर लें दो लोगों को फिर कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. 1B का 1A का 33 ये ओके टाइप का समय, नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन.
नहीं यार 201359 नो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इट मींस की दैट ऑब्जेक्ट गेट्स डिटेक्टेड इन एन साइकल्स द ऑब्जेक्ट गेट्स डिटेक्टेड इन एन साइकल्स का मीनिंग क्या बोलना क्या चाह रहा है वो बहुत क्लियर करना पड़ेगा ये सही आंसर नहीं है क्योंकि योर इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट गेट्स डिटेक्टेड इन एन साइकल्स वो आपको क्लियर नहीं है अभी बताओ बच्चों क्वेश्चन पढ़ लिया ना एक्सरसाइज 1A 33 सर दे मीन टू से कि लाइक 1 टू n किसी भी साइकिल में से एक में वो डिटेक्ट हो जाएगा हाँ तो और दो बार हो गया तो गड़बड़ हो गया फर्स्ट और सेकंड साइकिल में डिटेक्ट हो गया तो फिर उसको क्या बोलेंगे एग्जैक्टली सो लाइक एक भी टाइम डिटेक्ट नहीं होगा उसको 1 में 1 से सबट्रैक्ट कर देंगे क्वेश्चन का मीनिंग कितने बच्चों को समझा कि इट मस्ट बी डिटेक्टेड यस और नो ये मीनिंग हुआ एक्चुअली में है ना ऐसे देखा है ना हमने कि वो रेडार ऐसे दिखाते हैं फिर डॉट दिख गया फिर से एक और गोला घूमा डॉट और पास आ गया और पास आ गया गॉडजिला और पास आ गया ऐसे करके दिखाते हैं ना तो कभी डिटेक्ट हो रहा है कभी नहीं डिटेक्ट हो रहा तो आप डिटेक्शन किसको बोलोगे उसने बोला इट गेट्स डिटेक्टेड इन एन साइकल्स मतलब क्या अगर सारी साइकिल में डिटेक्ट हुआ है तो भी डिटेक्टेड ही हुआ ना कितने बच्चों को समझा इट मस्ट बी डिटेक्टेड एटलीस्ट वंस इन एन साइकल्स उसको आप डिटेक्शन बोल रहे हो चलेगा बोलो यस सर तो फिर क्या करेंगे इसके लिए बेसिकली पे ढूंढना कौन से साइकिल में पहली बार डिटेक्ट हो रहा है कौन से साइकिल में पहली बार डिटेक्ट हो रहा है नहीं नो अरे कितने केसेस बनाएगा पागल हो जाएगा उससे बेटर क्या है नहीं सर हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना फर्स्ट केस में डिटेक्शन का प्रोबेबिलिटी p है सेकंड केस में डिटेक्शन का प्रोबेबिलिटी तो फर्स्ट केस में नहीं होगा सो 1 p p थर्ड केस में 1 कितनी बार डिटेक्ट हो रहा है एक बार हो रहा है दो बार हो रहा है फर्स्ट में भी डिटेक्ट हो गया थर्ड में भी डिटेक्ट हो गया सेकंड में नहीं हुआ बाकी सब में नहीं हुआ फर्स्ट में भी हुआ थर्ड में भी हुआ फिफ्थ में भी हुआ सेवंथ में भी हुआ सब में डिटेक्ट हुआ वो थोड़ी ले रहा है तू अभी कंसिडरेशन में डिफरेंट फ्रॉम पहले में नहीं डिटेक्ट हुआ दूसरे में डिटेक्ट हुआ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पहले में डिटेक्ट हुआ दूसरे में नहीं हुआ बट तीसरे में फिर से हो गया सब अलग अलग बातें हुई ना आर दे नॉट डिफरेंट आउटकम्स वही तो मैं बोल रहा हूँ डिटेक्शन का मतलब क्या है कि फर्स्ट में डिटेक्ट हो गया फिर सेकंड रेडार में मिस हो गया फिर थर्ड साइकिल में डिटेक्ट हो गया फिर मिस हो गया ये भी चल जाएगा इसको भी डिटेक्शन बोलेंगे ये कहाँ बोला है कि उसने एग्जैक्टली वंस डिटेक्ट होने पर रुक गए हम लोग उसने बोला एन साइकिल्स में डिटेक्ट हो जाए दिख जाए मुझे कि हाँ है कुछ ऑब्जेक्ट तो कितने बच्चों सारे अरे नहीं हुआ मेरे भाई पी का मतलब क्या होता है P का मतलब होता है एक ही बार डिटेक्ट हो रहा और बाकी सब में डिटेक्ट नहीं हुआ मैं अभी तो बोलते जा रहा हूँ फर्स्ट साइकिल में भी डिटेक्ट हो गया सेकंड साइकिल में भी डिटेक्ट हो गया थर्ड साइकिल में भी डिटेक्ट हो गया बाकी सब में नहीं हुआ ये तो आंसर में आ ही नहीं रहा आई होप यू डू अंडरस्टैंड ठीक है तो दिस इज द क्लियर कट क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी यस और नो टोटल माइनस नो डिटेक्शन खत्म बात एटलीस्ट वंस डिटेक्टेड से बेटर क्या होता है टोटल माइनस नो डिटेक्शन नो डिटेक्शन की प्रोबेबिलिटी बताओ कितने बच्चों समझ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिटेक्टिंग इन अ साइकिल प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिटेक्टिंग इन अ साइकिल एक साइकिल में डिटेक्ट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1 - p तो प्रोबेबिलिटी of not detecting in n cycles 1 - p to the power n कितने बच्चों समझा सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे कितने बच्चों समझा कि फर्स्ट साइकिल में भी डिटेक्ट ना हो सेकंड साइकिल में भी डिटेक्ट ना हो थर्ड साइकिल में भी डिटेक्ट ना हो nth साइकिल में भी डिटेक्ट ना हो तो इसका मतलब है pc1 bar into pc2 bar into pc3 bar into pcn bar तो 1 - p raised to n इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो आंसर क्या बन रहा है ये रहा आंसर ठीक है 1 - 1 - p raised to n सोच लो एक बार
सर अगर वो पहला वाला मेथड करते हैं कि फर्स्ट में डिटेक्ट हो गया तो पी वो गलत है पर उसे सेम आंसर क्यों आ रहा है? कहां आ रहा है सेम आंसर? कहां आ रहा है बताओ बताओ सर. पी फर्स्ट में पी, सेकंड में 1 माइनस पी, देन थर्ड में 1 माइनस पी स्क्वायर, देन अब जीपी जीपी का फार्मूला लगाएंगे पी इनटू 1 माइनस पी टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1. नहीं 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 व्हाट डिड यू से कि अच्छा मेरे को पहले केसेस क्या ब्रेक करे वो बताओ. केसेस क्या ब्रेक करे? फर्स्ट केस में डिटेक्शन का प्रोबेबिलिटी पी है. सेकंड केस में फिर डिटेक्शन फर्स्ट. नहीं 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 मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, फर्स्ट केस में डिटेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी है और फिर बाकी में क्या हुआ है? सर उसको इनटू 1 कर देंगे ना, बिकॉज़ फर्क नहीं पड़ेगा एक टाइम डिटेक्ट होगा फिर आगे का जो भी. अच्छा तो यू मीन टू से कि इसमें वो वाले केसेस भी आ गए हैं कि फर्स्ट में तो डिटेक्ट हो रहा है बाकी में कुछ भी हो सकता है. यस सर. ओके चलो ठीक है. फिर फिर फर्स्ट में नहीं हुआ 1 माइनस पी टाइम्स पी और फिर सेकंड में और बाकी सब में हो गया. यस सर. हाँ तो ये सही है. सही है. मैंने कहा मना करा ये गलत है. ये बोलो ना ये कर रहे हो ये सही है. इनटू वन केस का मतलब है तुमने सारे केसेस ले लिए कि सेकंड में हुआ नहीं हुआ, थर्ड में हुआ नहीं हुआ, फोर्थ में हुआ नहीं हुआ, सब ले लिए तुमने, फर्स्ट में जरूर हुआ है. यस सर वही. हाँ तो ये सही है. ये सही है. ये सही है. फिर नेक्स्ट आता है 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू पी. दिस लुक्स गुड टू मी. यस ये सही है. कई लोग डिटेक्शन को एक ही बार डिटेक्शन मान रहे हैं, वो गलत है. इट वॉज डिटेक्टेड वंस, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ मान भी आना चाहिए. लुक्स गुड टू मी. सेम आंसर आना चाहिए. नेक्स्ट ट्राई करो. नेक्स्ट कौन सा दिया है? 2B का 9. इट्स अ सिमिलर सम बट नॉट द सेम सम. पढ़ो क्वेश्चन. द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एज्ड एक्स इयर्स विल डाई विद इन अ ईयर इज पी. क्या दिया हुआ है? ये दिया है ना. एन मैंने ईच एज्ड एक्स इयर्स फाइंड प्रोबेबिलिटी ए1 विल डाई विद इन अ ईयर एन इज द फर्स्ट वन टू डाई. बोलो सर. एक मिनट.
सर जो पिछले क्वेश्चन में दूसरा मेथड बताया था उसमें उन्होंने p into 1 किया था, तो हम लोगों ने वो केस कंसीडर नहीं किया ना कि फर्स्ट राउंड में डिटेक्ट नहीं होगा, किया ना उसने, क्या बोला कि पहले नहीं नहीं p into 1 किया, उसने बोला कि पहले राउंड में तो डिटेक्ट हो ही रहा है, बाकी में कुछ भी हो सकता है, दूसरा वाला इज एक्सक्लूसिव नहीं हुआ ये कहां तो लिया ना उसने, फिर बोला कि चलो सर पहले राउंड में नहीं हुआ है बट दूसरे में हुआ है और बाकी सब में कुछ भी। फिर उस हाँ उसने बोला कि पहले और दूसरे में भी नहीं हुआ है बट तीसरे में तो डिटेक्ट हुआ ही हुआ है और बाकी में कुछ भी, तो ये सब एक्सक्लूसिव केसेस हैं। यस सर। मैं तो करूंगा ही प्रजेश, यस आई विल डू, बट पहले आप अपना आंसर दो फिर उस पर रीजन आउट कर लो क्या है क्यों है। नहीं यार ये सही नहीं है, तेरा बिल्कुल भी नहीं आ रहा क्या, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी अगर एनसीआर नहीं आ रहा तो, सारे डिस्टिंक्ट लोग है ना यार, तो दो मर रहे हैं तीन मर रहे हैं, अगर केसेस बना के कर रहे हो तो फाइट है, कुछ गड़बड़ है इसमें, पहले दिख रहा है मुझे एनसीआर, और बाकी नहीं मर रहे वो भी तो प्रोबेबिलिटी लो, व्हेन यू से एग्जैक्टली टू पीपल आर टू बार 1 माइनस पी टू बार एन माइनस आर पे आ गया, हां ऐसा भी लेना पड़ेगा, यस समथिंग लाइक दिस आल्सो, हां ये सो एनसीआर भूल गया था फिर। चलो तो वैसे देखो इसको करने के लिए क्या तरीका होगा, देखो
सबसे बढ़िया, इफ ए वन डाइज एंड इज फर्स्ट वन टू डाई, प्रॉब्लम ये आ गई कि फर्स्ट वन टू डाई, ए वन डाइज की प्रोबेबिलिटी तो पी है और पहले ही पर्सन हो वो, ये परेशानी हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखो इसको करने का सबसे तरीका क्या होगा, ए वन डाई देन द फर्स्ट वन टू डाई, तो सबसे पहले क्या निकाल रहा हूं बच्चों ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन पर्सन डाइज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन पर्सन डाइज, बोलो क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चों एट लीस्ट वन पर्सन डाइज, वन माइनस ऑल अलाइव, बोलो बच्चों ये हुई प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन पर्सन इज डेड, एट लीस्ट वन पर्सन इज डेड। ठीक है, कौन है क्या है वो सब सब प्रोबेबिलिटी ये निकाली कि एटलीस्ट वन ऑफ द पर्सन इज डेड, तो एन लोग हैं उनके मरने की प्रोबेबिलिटी विद इन अ ईयर इज पी, तो ना मरने की वन माइनस पी, कोई भी ना मरने की वन माइनस पी रेस्ट वन, तो एटलीस्ट वन मरने की वन माइनस पी रेस्ट वन। ठीक है, ओके बोलो, ये रहे तुम्हारे पास n ऑब्जेक्ट्स, पहली प्लेस पे a1 के पास बैठने के कितने वेज, n माइनस वन फैक्टोरियल, और टोटल परमुटेशन n फैक्टोरियल, तो पहली जगह पे a1 बैठे इसके कितने वेज, प्रोबेबिलिटी सॉरी प्रोबेबिलिटी इज 1 बाय n, नहीं बोलो सर, ये लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया, प्लीज एक्सप्लेन करेंगे। अरे ए वन इज द फर्स्ट वन टू डाई, तो अब ऐसे सोचो ना देर आर एन प्लेसेस, तो ए वन फर्स्ट कुर्सी पे बैठ जाए इसके कितने वेद हो गए, एन माइनस वन फैक्टोरियल और टोटल क्या एन फैक्टोरियल, तो प्रोबेबिलिटी दैट ए वन सेट एट द फर्स्ट चेयर इज वन बाय एन, मतलब बेसिकली बात ये हो गई कि पहला आदमी निपटे ए वन, वन बाय एन, पहला आदमी निपटने वाला कोई भी हो सकता था, सब सेम बातें, सब सेम बातें, इसमें केसेस से करोगे तो केसेस में थोड़ा सा गड़बड़ होगा, मतलब ऑफ कोर्स विल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, इवन आई कैन मेक मिस्टेक्स, बट ये हो गया तरीका उसको करने का। सर केसेस से भी आ रहा, ठीक है बोल दो, चलो केसेस से बाकी लोगों के लिए कर लेते हैं, बोलो केसेस सर, लाइक आई तो आर्ट लाइक टोटल प्रोबेबिलिटी लिया, पी इज इक्वल टू p into 1 minus p to the power n minus 1, ये क्या है, नहीं नहीं एक सेकंड, p into 1 minus सिर्फ a1 मरा, सिर्फ a1 मरा है और बाकी सब जीवित हैं, ठीक है, प्लस n minus 1 c1 into p square into 1 minus p to the power n minus 2, तो n minus 1 c1 मतलब बाकी n minus 1 में से कोई एक, हाँ तो a1 तो निपटा ही है, यस हाँ सर, एंड into वन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल अपॉन टू ना सिंपली, हाँ सर वही, हाँ प्लस एन माइनस वन सी टू पी क्यूब, एक सेकंड, एन माइनस वन सी टू पी क्यूब, यस मेक सेंस, वन माइनस पी टू बार एन माइनस थ्री इनटू टू फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल अपॉन थ्री, हाँ दिस लुक्स गुड, यस दिस लुक्स गुड, यस दिस लुक्स गुड, बच्चों बाकी लोगों को समझा, दिस इज गुड, आई थिंक इट्स परफेक्ट आइटम। उसने बोला कि सर पी ए वन को ही मार रहा हूं अकेला, ओनली ए वन डाइड, तो p इंटू वन माइनस पी रेस टू एन माइनस वन, नहीं बट यार एक सेकेंड,
गड़बड़ तो नहीं है इसमें सर, आंसर आ रहा है एक्चुअली फर्स्ट मतलब A1 अलोन A1 डाइड तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई कि P1 डाइड बाकी यार सही, फिर दो पीपल डाइड जिसमें से एक A1 है। हाँ यार ये सही तो लग रहा है, दिस सीम्स करेक्ट। फिर इसको उससे किया क्या और सब बाद में लाइक समेशन आई गेट P^r 1 - P^n-r upon r into n minus 1 cr minus 1 तो लाइक n से मल्टीप्लाई डिवाइड cr minus 1 तो वो क्या बोलते हैं न्यूटन है ना अपॉन आर नहीं आर सर आर प्लस नहीं आर अच्छा इसको आर लिया हाँ हाँ सॉरी आर माइनस वन पहले लिया तो इनटू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एन वो एन सी आर हो जाएगा हाँ ये वाला यूज कर लिया ना एन सी आर अपॉन आर प्लस वन सर एन सी आर अपॉन आर प्लस वन इज एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हाँ ठीक है चलेगा सही है सर बाद में वो बाइनोमियल बन जाता है हाँ 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 समझा ठीक है लुक्स गुड ठीक है चलो तो अभी बहुत क्वेश्चंस हो गए अब मेरे को कुछ पढ़ा लें दो नहीं तो फिर क्वेश्चंस ही करता रहूंगा तो बोर हो जाऊंगा बट आई होप एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन में डाउट था सर अब वो आप नेक्स्ट क्लास करेंगे आज मेरे को कुछ पढ़ाना है नहीं तो आज मैं कुछ भी नहीं पढ़ा पाऊंगा कौन सा वाला क्वेश्चन वैसे बोल रहे हो ये हंटर वाला ट्राई करके आओ यार मतलब बाकी लोगों को भी ट्राई कर लें दो ठीक है मतलब ये जो क्वेश्चन है मैं तो बोल ही रहा हूँ ये अच्छे क्वेश्चन ही है तो बच्चे भी क्वेश्चन सोच के आओ अपन डिस्कस पक्का करेंगे नेक्स्ट क्लास में कितने करूंगा मैं ये और ये 5 क्वेश्चन अपन को डिस्कस करने हैं और बहुत डेंजरस है मैं पहले ही बोल रहा हूँ 1B वाला पीना 1B पैसेज 4 यस 1B पैसेज 4 बहुत अच्छे क्वेश्चन है पूरा दिमाग और पूरा जोर लगा के ना स्किप मत करना अगर कोई बच्चा ढीला रह गया और बोले सर टाइम नहीं मिला अटेम्प्ट करने का तो आपका चॉप होने वाला है क्योंकि यू मिस्ड वन ऑफ द बेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के तो इस पे जान लगा देना 1.5 घंटा अच्छे से सड़ा के आना इन पे 1 घंटा तो लग ही जाएगा ये 5-6 क्वेश्चंस को करने में 1 घंटा तक लेके चल रहा हूं मैं ना सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर क्या करना है इसका फोटो खींचना है सर ये केसेस वाला मेथड भी अच्छा है ब्यूटीफुल सर जो आपने एटलीस्ट 1% आइज वाला है सर मतलब वो तो ओनली 1% डाइज नहीं हो जाएगा क्योंकि नहीं कैसे नहीं टोटल माइनस ऑल अलाइव इट गिव्स यू एटलीस्ट 1% डाइज सारे जिंदा उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है एटलीस्ट 1 अलाइव एग्जैक्टली 1 अलाइव थोड़ी होगा हाँ सर चलो तो अभी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ आई एम इंट्रोड्यूसिंग समथिंग विच इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो बहुत फुद्दू सा ये देखो सुन लो व्हाई डिड वी डिवाइड बाय 2 और 3 देख अक्षरा n-1 c1 इसका मतलब क्या हुआ a1 तो मर ही रहा था देख p मतलब क्या हुआ a1 तो मर ही रहा है उसके बाद बच्चे n-1 में से एक और उठाया और उसको भी मार दिया है ना तो इसका मतलब है ये केस है 2 डेड के लिए 2 people died है ना ये केस है 2 people died के लिए अब इन दोनों में A1 पहले मरे इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हुई कि नहीं तो लिख दिया हाफ फिर नेक्स्ट वाले में उसने A1 को तो मारी है 2 और को मार दिया n-1 c2 तो उन तीनों में से A1 इज द फर्स्ट वन टू गो 1/3 फर्स्ट वन कैन बी एनी वन 1/3 चले नहीं चले है ना हाँ चलो तो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी तो ये स्टैंड अलोन टॉपिक नहीं है दिस इज नॉट ए स्टैंड अलोन टॉपिक बट मैं फिलहाल समझा रहा हूँ इट इज दिस एज अ स्टैंड अलोन टॉपिक बहुत सिंपल सा है टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है ठीक है तो व्हाट इज टोटल प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम एक ऐसा आउटकम या फिर इवेंट बोल लो एन आउटकम विच कैन बी Let's say realized, पता नहीं और अचीव्ड realized, अचीव्ड और arrived at via series of
डिस्टिंक्ट इवेंट्स, ऑलराइट, तो इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। तो डेफिनेशन पढ़ के तो कुछ समझ आया होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नोबडी अंडरस्टूड एनीथिंग। तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, बट इसमें कौन सी टर्म क्या होती है उसको ज्यादा अच्छे से समझना, हीरो नहीं बनना है हमें, ठीक है, पहले समझना है कि क्या बोल रहे हैं। तो चलो एक ऐसे डिफाइन कर रहा, लेट ई बी एन इवेंट और एन आउटकम, ठीक है, विच अकर्स वाया एंड डिफरेंट इवेंट्स, ठीक है। अभी भी अच्छे से समझेगा नहीं, बट पहले सुनते जाओ, जब एग्जाम्पल दूंगा तब ज्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है। A1, A2... के द्वारा, ठीक है। तो इज एन इवेंट विच अकर्स वाया एंड डिफरेंट इवेंट्स एंड डिस्टिंक्ट इवेंट्स, या फिर एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, A1, A2, A3, AN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसके लिए बिफोर बी इवेंट स्टार्ट में कुछ समझाने के पहले ही, मैं समझाने के पहले एग्जाम्पल देने के पहले कुछ बना रहा हूं, अभी चुपचाप सुनते जाओ। वी बेसिकली ड्रॉ अ ट्री डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम एक ट्री डायग्राम बनाएंगे। वी बेसिकली ड्रॉ अ ट्री डायग्राम। व्हाट डू यू मीन बाय ट्री डायग्राम? ये देखो, हम लोग तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं, एक्चुअली जरूरत नहीं है, बट अगर समझ गया ये बनाना तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्ट, सबसे पहले क्या आएगा? स्टार्ट। तो आप ऐसे सोचो कि सीक्वेंशियली क्या क्या हो रहा है। तो ई इवेंट जो है वो एन डिफरेंट इवेंट्स A1, A2, A3 के बाद अकर हो सकता है, उनके थ्रू अकर हो सकता है। तो सबसे पहले आप ऐसे बनाओगे बच्चों, A1, फिर यहां से ऐसे एक ब्रांच बनाओगे जिसपे लिखोगे इवेंट A2, एक ब्रांच बनाओगे इवेंट A3 ... एक ब्रांच बनाओगे इवेंट AN। तो आप सबसे पहले क्या क्या अचीव कर सकते हो? सबसे पहले इनमें से कोई सा एक इवेंट लेके आओगे। A1 हो सकता है, A2 हो सकता है, A3 हो सकता है, ... AN हो सकता है। जो इवेंट ई है वो A1 के थ्रू भी हो सकता है, इवेंट ई A2 के थ्रू भी हो सकता है, A3 के थ्रू भी हो सकता है, AN के थ्रू भी हो सकता है। तो इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी क्यों हो रहा है? क्योंकि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। एक ये हुआ, स्टेजेस आ रही है, देख लो एक बार, ठीक है। इस वाले को क्या कहा जाता है? अभी मैंने समझाया कुछ नहीं, चुपचाप सुनते जाओ। इस वाली ब्रांच को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्री डायग्राम विल रियली हेल्प अस। ये वाली ब्रांच को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A1। इस ब्रांच पे से लिख देंगे अपन। तो ये ब्रांच का मतलब क्या है कि भैया A1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आपने कुछ एक हरकत करी, उसके हिसाब से आपने एन इवेंट्स दिखा दिए, A1, A2, A3, A4, ... AN, ठीक है। तो A1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? इस ब्रांच पे लिखोगे A2 की प्रोबेबिलिटी, इस ब्रांच पे लिखोगे A3 की प्रोबेबिलिटी, और इस ब्रांच पे लिखोगे AN की प्रोबेबिलिटी। तो आपने कोई एक हरकत करी, उसके हिसाब से N इवेंट्स हो गए। अब ई इवेंट जो है वो A1 के बाद हो सकता है, तो इस ब्रांच को क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई प्रोवाइडेड E1 अकर्ड। ये ब्रांच का मीनिंग ये होता है। ये ब्रांच का मीनिंग क्या होता है? PA/E2। ये ब्रांच का मीनिंग क्या होता है कि भैया ई होना है प्रोवाइडेड A3 अकर्ड, और इस ब्रांच का मीनिंग क्या होता है? PE/AN। ओके, तो ध्यान से देखना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ओके, वो क्या बन जाएगा? PE is। कितने बच्चों को समझ आ रहे हैं? पी A1 इंटरसेक्शन ई प्लस पी A2 इंटरसेक्शन ई ... यही हुआ कि नहीं बताओ? A1 हो गया फिर ई हो गया, A1 एंड ई हो गए, या फिर A2 एंड ई हो गए, A3 एंड ई हो गए, ऐसे ऐसे करके, जिसको आप टेक्निकली क्या लिखोगे? PA1 इंटरसेक्शन ई को क्या लिखते हो बच्चों? PA इंटरसेक्शन बी, याद है? जल्दी बोलो, फॉर्मूला समझ आ रहा है? Yes, PAN इंटू PE/AN, ये बन रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनाए, क्या ये फॉर्मूला याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से देखो, हमें क्या करना है? ट्री डायग्राम बनाना है, और इवेंचुअली घूम फिर के क्या करना है? दिस ब्रांच इंटू दिस ब्रांच प्लस दिस ब्रांच इंटू दिस ब्रांच प्लस दिस ब्रांच इंटू दिस ब्रांच, इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। This into this plus this into this plus this into this plus this into this ... इतने तरीके से E हो सकता है। A1 के थ्रू जाए, A2 के थ्रू जाए, A3 के थ्रू जाए, AN के थ्रू जाए, सारे केसेस ऐड कर।
इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट की, ठीक है। तो एग्जांपल समझाऊंगा तब समझ आएगा, अभी तक तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ भी फील आई होगी, ठीक है। बैग वन हैज, एक बैग है उसमें क्या है, 3 black and 4 white balls, चलेगा। एंड बैग टू हैज 4 blue and 2 white balls, चलेगा। ये एक बैग वन एक बैग टू है। अब मैं क्या कर रहा हूं, डाई इज थ्रोन, एक डाई फेंकता हूं, ठीक है। इफ आई गेट 1 or 2 देन आई रेंडमली सॉरी आई ड्रॉ अ बॉल, आई ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम बैग वन रैंडमली, ऐसी आंख मीच के बैग वन में हाथ डाल के बॉल उठा लेता हूं, अदरवाइज अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग टू, चलेगा। अदरवाइज मतलब समझ गए, अदरवाइज वाला मतलब समझ गए, अदरवाइज वाला मतलब हुआ 4, 5, 3, 4, 5, 6, अदरवाइज बैग टू में से एक बॉल निकाल लूंगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, आई गेट अ वाइट बॉल, तो सीक्वेंशियली क्या आ रहा है बच्चों, सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई एम डूइंग, पहले बॉल निकाल रहा हूं कि पहले डाई फेंक रहा हूं, डाई पहले डाई फेंक रहा हूं। तो कितने बच्चों समझा, पहले से गोला बनाओ जिस पे स्टार्ट लिख दो, स्टार्ट के बाद मुझे बताओ कौन से इवेंट्स क्या बनाओ यहां पे, व्हाट आर द पॉसिबल इवेंट्स, 1 or 2 आया फेस वैल्यू, और दूसरा इवेंट सीधे क्या जाएगा, 3, 4, 5 या 6 आया एज अ फेस वैल्यू, यस ना, यस ना, दो ही तरीके हैं बस बच्चों, दो ही चीजें हैं, तो इसमें दो इवेंट बन रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। मैं इसे समझूं ना, और भी बना सकता कि वन आया तो बैग वन में से निकालो, टू आया तो बैग टू में से निकालो, थ्री आया तो, वो जबरदस्ती कैलकुलेशन है बस, ये समझा, ये हो गया इवेंट ए वन होगा या फिर इवेंट ए टू होगा, ठीक है। इवेंट ए वन की प्रोबेबिलिटी क्या बच्चों समझा, यहाँ पे ब्रांच पे उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दो 2 by 6, इवेंट ए टू की प्रॉबिलिटी क्या है 4 by 6, तो ये दो इवेंट अकर हो गए। अब इवेंट ई, इवेंट क्या जल्दी बताओ, व्हाट इज इवेंट ई, व्हाट इज द फाइनल इवेंट, वाइट बॉल, यस, गेटिंग अ वाइट बॉल, एक वाइट बॉल निकलना, ये तुम्हारा इवेंट है। तो जो वाइट बॉल है वो दोनों तरीके से हो सकता है, ए वन के बाद भी हो सकता है, ए टू के बाद भी हो सकता है। तो ए वन वॉज 1 or 2 आना, 1 or 2 आना इज सेम एज बैग वन से निकलना, है ना, बात वही है, दोनों सेम ही बातें, 1 or 2 से आना ए वन इवेंट को आप ये भी बोल सकते थे कि बैग वन सेलेक्ट होना, ए टू इवेंट को ये भी बोल सकते थे कि बैग टू सेलेक्ट होना, ओके। तो ये हो गया ए वन और ई, तो इस ब्रांच का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, सॉरी ई स्लैश है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल प्रोवाइडेड फर्स्ट बैग वॉज चोजन, बोलो बच्चों 4 by 7, हाँ कितने बच्चों समझा सर, ये तो 4 by 7, एक वाइट बॉल निकालना है प्रोवाइडेड बैग वन, और ये वाला 1 by 3, क्यों, हाँ सॉरी 2 by, हाँ सही, ठीक है समझा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल क्या हो जाएगा, वही चीज को मैंने जो केसेस बना के आप कर रहे हो ना, इसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया है, चलेगा क्या, बोलो यस पक्का, एक बार वापस बताइए समझा। अरे यार तू कैसे करता, सोचना तू भी तो यही करता, अगर लॉजिकली करता तो कि सर कि दो तरीके से हो सकता है बैग वन आ जाए, तो बैग वन की प्रोबेबिलिटी 1 by 3 और उसमें से वाइट बॉल निकल जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 4 by 7, है ना, या फिर सर बैग टू आ जाए तो बैग टू की प्रोबेबिलिटी 2 by 3 और उसमें से वाइट बॉल निकल जाए उसकी 2 by 6, यस और नो, यही तो करता। तो वो केसेस को बस मैं ट्री डायग्राम बनवा रहा हूँ, केसेस आर नथिंग बट ट्री डायग्राम, चलेगा, ओके सर, ओके सर। तो ट्री डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जानबूझ के ये ट्री डायग्राम से बना रहा हूँ, यू कैड हैव डायरेक्टली सॉल्व इट एनीवे, मैं क्या मना कर रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट आर वी गेटिंग,
कितना आ रहा यार, गंदा डेटा है क्या? तो 2/6 कॉमन निकाल लो, मतलब 1/6 4/7 प्लस 4/6 तो कितना आ रहा है? 4 × 13 अपन, हाँ कुछ तो घटिया सा आ रहा है, 6 मतलब ये 2 और ये 3 तो 26/63 यार ये प्रोबेबिलिटी चलेगा। तो जो आप केसेस बनाते हो ना बच्चों, उसी को मैंने ऐसे लिख दिया बस, और कुछ नहीं। और ये स्टैंड अलोन टॉपिक वैसे भी नहीं है, मैं आपको क्या बोला स्टार्टिंग ऑफ द दिस टॉपिक, मैंने बोला भी था स्टैंड अलोन टॉपिक नहीं है ये, नेक्स्ट टॉपिक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ट्री डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपका बहुत ज्यादा चॉप हो जाएगा, तो इसको पहले छापो। इस पे एक दो क्वेश्चन अगर मेरे पास होते तो दे देता हूं मैं, बट दिस इटसेल्फ इज नॉट अ टॉपिक की जिसपे मैं आपको बहुत प्रैक्टिस कराऊं। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे प्रोबेबिलिटी का, वो उसका उसका जस्ट बिगिनिंग है ये, उसका इंट्रोडक्शन है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज बेस थ्योरम। बेस थ्योरम बोले तो इनवर्स प्रोबेबिलिटी करके, तो इसको छाप लो, छापो पिकेशन पीपल। मैं थोड़ा आपको कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी पे दो तीन क्वेश्चन इधर उधर से दे दिए मैंने, भेज दिए ग्रुप पे, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। हाँ जस्ट ए सेकंड, तो ये तीन क्वेश्चन काफी है, ज्यादा कहीं और ढूंढूंगा भी क्या, सब सेम ही टाइप के क्वेश्चन है। सर आपने वो जो पास फेल वाला क्वेश्चन पे दिया था वो यही था ना? पास फेल वाला कैसे, मतलब क्यों बोलोगे उसको? उसके जैसा सर वो लाइक पहले टेस्ट में पास हुआ तो उसका प्रोबेबिलिटी पी है, एंड फिर नेक्स्ट टेस्ट में सर आज ही जो फर्स्ट मेरे को क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन याद आ गया, बट इससे कैसे रिलेट कर रहा है बता मुझे सर। वैसे लाइक एंड में ई लाइक द फ्लो चार्ट वोंट एंड एट ई, इट विल बी ओपन एंडेड एंड देन यू हैव टू टेक सर आई विल सेंड द डायग्राम फॉर व्हिच वन। So there was one question where you said agar pass hua to there's p by 2 chance of there's p chance of passing again and if fail there's a p by 2 chance of passing again and wo to waisa ho gaya wo to multiple stage agar nahi chalo theek hai I'm buying that what you're saying but wo waisa multi stage ho gaya matlab multi stage matlab aap fir usme tree diagram nahi banaoge wo fight ho jayegi kyunki usme teen stage ho gayi na that banta hai and usme teen stage ho gayi। मैं समझ गया I'm getting it what you're saying but मैं बोल रहा हूँ उसमें तीन स्टेज हो गई। ये अपन जो सीख रहे हैं ना टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस इज एक्सक्लूसिवली टू स्टेज प्रोबेबिलिटी, ये टू स्टेज है ना। और मैं एक्चुअली बोल भी क्यों रहा हूँ इसको स्टेज ऐसे बना क्यों रहा हूँ, क्योंकि आप जो केसेस बना के करते तब भी तो यही करते, तो अगर दो स्टेज से ज्यादा हो रहा है तो केसेस बना के करो, दो स्टेज से ज्यादा हो रहा है तो वो जो फेल पास वाला था वो स्टेजेस से बेटर है, ऐसे केसेस बना के लिख लिख के कर लो। जैसे केस वन क्या होता है, बैग वन सिलेक्ट होना, तो बैग वन सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी एंड देन वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी ऐसे वो ट्री बना के वो ऑर्गेनाइज बन रहा था उस लाइक बट केस भी मिस नहीं हो जाता वैसे। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ ट्री को मत बनाओ उसमें, क्यों? क्योंकि फिर वो इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ दिमाग खराब करेगा। ट्री स्पेसिफिकली टू स्टेज के लिए बनाओ, क्योंकि एनीवे यार मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब, नेक्स्ट वाला जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये बात कि टू स्टेज में क्यों ज्यादा बेटर है। आप अगर मल्टीपल स्टेज में भी ट्री बनाने जाओगे तो थोड़ा पोपट फील होगा, आपको कंफ्यूज हो सकते हो। तो जो बेस थ्योरम होता है ना इनवर्स प्रोबेबिलिटी, वो एक्चुअली टू स्टेज प्रोसेस ही होता है, थ्री स्टेज नहीं होगा वो। थ्री स्टेज में लगाने जाओगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है? तो अगर आपको बनाना है उसका ट्री डायग्राम तो बना लो, बट इट इज आई डोंट थिंक इट इज वो
any it is giving any advantage to us. कोई advantage तो है नहीं इसका अलग से. और यहाँ पे भी कोई एडवांटेज नहीं है, मैं बोल ही रहा हूँ. बट ये तो नेक्स्ट टॉपिक का इंट्रोडक्शन है. नेक्स्ट टॉपिक में इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी ट्री डायग्राम की, क्योंकि आंसर चुटकियों में आ जाएगा इफ यू फॉलो ट्री डायग्राम. सो कैन यू स्क्रॉल अप इट? इसके ऊपर तो डायग्राम ही था. नहीं सर, वो पी और अच्छा ये ना ये तो मैं चाहता हूँ बुकलेट से भी थोड़े समझ दूं आपको. Not on total probability, but ये ऐसे basic sums की आप probability के basic sums भी आपको करने ही है. तो मैं in chapter 1 and 2 तो दे ही चुका हूँ. I've already told you in chapter 1, 2. अगर नहीं किए तो in chapter कर लेना दोस्तों. In chapter काफी अच्छे हैं. So could you scroll down a bit? Yes. डेंजर वाले और ये तीन सम्स, ये मैं क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है, जो पांच सम बचे हुए और अब भी तीन भेजे आपको, वो मैं क्लास में ही डिस्कस करूंगा. तो वो आठ तो आपको करने ही है. इसके अलावा होमवर्क में दे रहा हूँ कि क्या 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 अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो. तो वन ए में से आई थिंक ये भी मत करो. वन ए में से ये कर सकते हो, वन बी में से क्या कर सकते हो. हाँ लेक्चर ओवर. यस, वन बी अभी नहीं दे रहा हूं मैं. वन बी थोड़ा डेंजर एक्सरसाइज है जहां तक मुझे याद है. वन बी की जगह वन सी दे देता हूं. तो वन सी क्या बन जाएगा? क्वेश्चन 1 to 7 और 2A भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है बच्चों. तो 2A से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो. ये वन से एट, ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस कर सकते हो. तो नेक्स्ट लेक्चर जो आठ क्वेश्चन बच रहे हैं वो जरूर करके आना बच्चों. ओके चलो, तो ये क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बट वो आठ क्वेश्चंस तो मिनिमम करके आने ही आपको. ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर्स जो है, नेक्स्ट दो लेक्चर कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का. बेस थ्योरम. ठीक है, बाय. तो पीडीएफ शेयर कर देता हूं मैं, इसको पढ़ के आना पूरा अच्छे से. मतलब आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था और लास्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो चाओ. डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, बाय. थैंक यू सर. बाय बाय.